नमस्कार फ्रेंड्स, हम आज अपनी होटल से और आज सारनाथ का विजिट करेंगे, सारनाथ जाएंगे और वहाँ का वीडियो आपको दिखाएंगे। आइए हम ऑटो से टैक्सी से सारनाथ के लिए निकले और सारनाथ पहुँचकर हम आपको ये ट्रेवल कर रहे हैं हम ऑटो से और सारनाथ पहुँचेंगे। फिर हाँ, सारनाथ का आपको व्यू, उसके हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। आरएन एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू। फ्रेंड्स, हम सारनाथ आए हैं और आज सारनाथ का आपको व्यू दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश के गंगा और वरुण नदियों के संगम के पास वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, एक स्थान है। सारनाथ में हिरण पार्क है जहां गौतम बुद्ध ने पहली बार धम्म को पढ़ाया था और जहां बौद्ध संघ कौंडला के ज्ञान के माध्यम से अस्तित्व में आया सारनाथ। सारनाथ में धर्मचक्र स्तूप है और यह वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित प्रमुख बौद्ध और हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था धर्मचक्र स्तूप में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। ये स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। अन्य तीर्थ हैं लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर। इसके साथ ही सारनाथ को जैन धर्म एवं हिंदू धर्म में भी महत्व प्राप्त है। जैन ग्रंथों में इसे सिंहपुर कहा गया है और माना जाता है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्यांशनाथ का जन्म यहाँ से थोड़ी दूर पर हुआ था। यहाँ पर सारंगनाथ महादेव का मंदिर भी है जहाँ सावन के महीने में हिंदुओं का मेला लगता है। सारनाथ में अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ, भगवान बुद्ध का मंदिर, धामेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, राजकीय संग्रहालय, जैन मंदिर, चीनी मंदिर, मूलंग कुटी और नवीन बिहार इत्यादि दर्शनीय हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यहीं के अशोक स्तंभ के मुकुट की द्विमितीय अनुकृति है। मोहम्मद गौरी ने सारनाथ के पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया था। सन 1905 में पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई का काम आरंभ किया। उसी समय बौद्ध धर्म के अनुयायियों और इतिहास के विद्वानों का ध्यान इधर गया और वर्तमान में सारनाथ एक तीर्थ स्थल है, पर्यटन स्थल के रूप में लगातार वृद्धि की है और अग्रसर है। प्रमुख सोसाइटी नेचुआ जलालपुर गोपालगंज बिहार ने सारनाथ में प्रबुद्ध सम्मान समारोह प्रतिवर्ष करती है। पहले यहाँ घना वन था, मृग विहार किया करते थे और इस समय इसका नाम ऋषि पत्तनम और मृगदाय था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिए पर दिया और सम्राट अशोक के समय में यहाँ बहुत से निर्माण कार्य हुए। सिंहों की मूर्ति वाला भारत का राजचिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष से ही लिया गया है। यहाँ पर धमेक स्तूप सारनाथ की प्राचीनता का आज भी बोध कराता है। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषि पतन है, इसी पतन या मृगदाय हिरणों का जंगल था। ऋषि पतन के तात्पर्य ऋषि का पतन से है, जिसका आशय है या ये वह स्थान है जहाँ किसी एक बुद्ध ने गौतम बुद्ध भावी संबोधि को जानवर निर्वाण प्राप्त किया था।
मृगों के विचरण करने के वाले स्थान के आधार पर इसका नाम मृगदाय पड़ा, जिसका वर्णन निगोद्रा मृग जातक में भी आया है। आधुनिक नाम सारनाथ की उत्पत्ति सारंगनाथ मृगों के नाथ अथवा गौतम बुद्ध से हुई, जिसका संबंध बोधिस्त्व की एक कथा से भी जोड़ा जाता है। बोधिस्त्व ने अपने किसी पूर्व जन्म में, जब वे मृगदाव से मृगों के राजा थे, अपने प्राणों की बलि देकर एक गर्भवती हिरणी की जान बचाई थी। इसी कारण इस वन को सारंग मृग नाथ या सारनाथ कहने लगे। धर्म चक्र चिन्ह बिहार, यहाँ लिखा है उत्खनन से प्राप्त शिलालेख के अनुसार इस विशाल विहार का निर्माण कन्नौज के गढ़वाल नरेश गोविंद चंद ने 1114 से 1154 ईस्वी में रानी कुमार देवी के प्रतान तो स्वरूप किया। उत्खनन के क्षेत्र का विस्तार पूर्व से पश्चिम 3232 मीटर, इसके पूर्व की ओर परस्पर 88.48 मीटर की दूरी पर दो द्वार बने थे। बिहार का अधिष्ठान भाग 2.44 मीटर ऊंचा है तथा बाहर और भीतर की ओर कुशलतापूर्वक उत्कीर्ण अनुकृत ईंटों से निर्मित है। परिसर के पश्चिम छोर पर एक सुरंग है जो एक छोटे से मध्यकालीन मंदिर तक जाती है। सुरंग की लंबाई 54.78 मीटर तथा दीवारों की ऊंचाई 1.83 मीटर है। यह संपूर्ण बिहार परिसर अनेक पूर्ववर्ती बिहारों के भग्नावशेष के ऊपर बना है। ये जो लोग इंग्लिश में जानना चाहते हैं, धर्मचक्र जिन्ह बिहार अकॉर्डिंग टू एन इंस्क्राइब्ड स्टोन स्लैब फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेविशन एट द साइट दिस इम्पोजिंग मॉनेस्ट्री वाज डोनेटेड बाई कुमार देवी द बुद्धिस्ट क्वीन ऑफ गोविंद चंद्रा ए गढ़वाला किंग ऑफ कन्नौज 1114 to 1154 सी। दिस एरिया एक्सकेविटेड मेजर 230 मीटर ईस्ट ऑफ द वेस्ट हैविंग टू गेटवे विच आर 88.44 मीटर। द बेसमेंट ऑफ द मोनेस्ट्री रेज्ड टू ए हाइट ऑफ 2.44 मीटर। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई द नीटली चीजलेस ब्रिक्स एंड द डेकोरेटेड विद द एलिजेंट मॉड्यूलिंग ऑफ द बोथ इनर एंड आउटर फेसेस एट द वेस्टर्न प्रॉक्सिमिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज द कर्व पासेज फॉर द टनल 54.78 मीटर लॉन्ग विथ साइड वॉल्स 1.83 मीटर इन हाइट। द एंट्री एंटायर कॉम्प्लेक्स वॉज कंस्ट्रक्टेड ओवर द ट्यून्स ऑफ सेवरल अर्लियर मोनेस्ट्रीज। ये सब कंस्ट्रक्शन जो हमने बताया किंग की रानी द्वारा प्रदत्त
से कराया गया। अब देखिए जो ब्रिक्स है, छोटी हरी ब्रिक्स है जिसको पुराने टाइम में हम कुछ लोग कैकैया ही बोलते थे, कैकई ईंट, कैकी एंट ईंट, और इससे ये सब मोनेस्ट्रीज के भग्नावशेषों को शामिल है बचे हैं। काफ़ी ईच मोनूमेंट्स काफ़ी एरिया में फैला हुआ है और ये भग्नावशेष भग्नावशेषों के अवशेष आपको दिखा दें। यहाँ चक्र जी बिहार मोनेस्ट्री वन फॉर्म कैंडी कैंडी स्कैन। वो आपको आगे लिए चलते हैं, ये देख रहे हैं आप। देखिए किस तरह से उस समय बनाया होगा, कंस्ट्रक्ट किया होगा, ये काफ़ी पुराना है। ये देखिए आप देख रहे हैं काफ़ी पुराना है। और सारनाथ के अवशेष में बताते हैं कि बुद्ध के समय हमारा भारतीय कल्चर कितना समृद्ध था। तब के राजा ने इस सब का निर्माण किया था, कितना पैसा उस समय लगा होगा ये आपको इसकी संरचना देखने से ही पता लगेगा। ये जो है उत्खनन अवशेष हैं जो खुदाई में और उनको निकाला गया और यहाँ बैठना और चलना मना है। तो देखिए हम वही अवशेषों को दिखा रहे हैं आपको। नमस्कार फ्रेंड्स, जब हम ये वीडियो बना रहे थे तो ये हमें लाल टी शर्ट्स में ये सज्जन जो कि गाइड थे ये मिले। इन्होंने हमें बोला कि यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, जबकि ऐसा कहीं हमको बोर्ड या किसी ने हमको रोका नहीं। अब पर चूंकि इनको लग रहा होगा कि ये वीडियो से इनका व्यवसाय ख़त्म हो जाएगा या इनका काम ख़त्म हो जाएगा, हमने इनको समझाया कि इस देश में सारनाथ को कितने लोगों ने देखा है। हम अब वीडियो के माध्यम से उन लोगों के पास पहुँचाएँ जिससे लोग यहाँ पर आने के लिए प्रेरित हों। तब इनको ये बात समझ आया तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है आप, हम आपसे बात करते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो देखिए।
ये अशोक स्तंभ बिहार का एरिया है, तो देख रहे हैं अगर सांची वो एक त्री ये सारनाथ का स्तूप है सामने आपको नज़र आ रहा होगा। अब जो कि यहाँ वीडियो की परमिशन नहीं बताया रहता है, कुछ फाइन वाइन लग सकता है, बोलते बात नहीं करूँगा तो हम नहीं दिखा सकते। मुगल घुंड पट्टी एरिया ठीक है, हमने सारनाथ के जो स्तंभ स्तूप उसको दिखाएंगे। देखिए चलते हैं, पंचायतन मंदिर इसको बताता है, बताया जाता है पंचायतन मंदिर। ये पंचायतन मंदिर है जिसके अवशेष हम आपको दिखा पा रहे हैं। बुद्ध की प्रतिमाएं इन भग्नावशेषों पर अंकित हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं। यह है मूल गुंड कुटी बिहार, यह हमने आपको दिखाया मूल गुंड कुटी बिहार। बादल है, वीडियो थोड़ी अच्छी नहीं है, लोग अपनी छवि यहाँ बनाते हुए। ये देखिए बारीक से स्तूप पर आपको लिपि में कुछ कुछ लिखा चित्रालेख है बुद्ध के काल में, ये कुछ अवशेष खुदे हैं जिनको आप देख सकते हैं।
पीछे का कुछ हिस्सा ज़्यादा टूट गया, उसको रिपेयर किया तो वो उस तरह से शायद नहीं हो पाए, लेकिन रिपेयर किया गया। ये मान महल है, ये देखिए एक स्तूप आता है सर्विस ऑफ इंडिया की तरफ से, चौखंडी स्तूप जो हम बीच में छोड़ा है, कुशाणकालीन मूर्ति भगवान बुद्ध की, ये सब म्यूजियम बुद्ध के लेटे हुए मूर्ति। यहाँ आप देख रहे हैं ये देखिए पुराना अशोक चक्र के साथ में प्रातकालीन संरक्षण सारनाथ 1980 में तैयार किया। ये देखिए यहाँ पुराना है और बीच बीच में इसको रिपेयर किया गया है, तो उस तरह उस लिपि में नहीं करा पाए तो उसको अभी किस तरह का 1902 में बनाया। ये देखिए और 1904-1905 ईस्वी में धमक स्तूप के निकट, ये सब स्तूपों के बारे में जानकारी है, आप भी देखते हैं। ये धमक स्तूप धमक इस स्तूप के खंड के प्राप्त 1010-26 ईस्वी के अभिलेख के अनुसार स्तूप का प्राचीन नाम है धर्मचक स्तूप था। यह समतः उस स्थान और विशेष का घोतक है जहाँ भगवान बुद्ध ने प्रथम धर्म उपदेश दिया था। इसके शिखर के मध्य में अलेक्जेंडर कंगम की धातु से मंजूषा की खोज में लंबत उत्खनन किया गया था, जिसमें उन्हें शिखर से लगभग 3.2 मीटर नीचे एक अभिलेख युक्त प्रक प्राप्त हुआ, जिस पर 6वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी के ब्राह्मी लिपि में बौद्ध मन से धम्म हित प्रभा लिखा था। इसके भीतरी भाग में काफ़ी नीचे ईंट और निर्मित मौर्यकालीन स्तूप है, अवशेष के अंतर प्राप्त हुए और स्तूप के वर्तमान स्वरूप में गुप्तकालीन स्थापित उत्खनन नमूना है। इस बेलनाकार स्वेप स्तूप का आधार 28.5 मीटर तथा लगभग ऊंचाई इसकी 33.5 मीटर, भूमिगत भाग इसका कुल ऊंचाई 39 मीटर है और भूमि की सतह से 13 मीटर 1-1 मीटर ऊंचाई है। यह अलंकार प्रस्तरों के आच्छादित है तथा शेष भाग में ईंटों के बेलनाकार पुंज से रूप में है। आधार से लगभग 7.5 मीटर की ऊंचाई पर 8 दिशाओं में 8 आले बने हैं, इसमें भगवत सब भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं रखी होंगी। इसके नीचे सुचारू रूप ढंग से तराशी गई चौड़ी स्तर पटकाएं के ज्योति में स्वास्थ्य और पत्र बल्लभी पुष्पता मानव व पक्षी अंत के सुंदर अंकरण उसकी है, और सेम ही इसको इंग्लिश में अनुवाद किया गया है, हम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये देखिए ये यहाँ जो लोग सूर्यमुखी हैं वो भी इसमें आनंद देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं काफ़ी भारतीय पुरातन संरक्षण विभाग द्वारा इसको काफ़ी बढ़िया से बनाया गया है। ये देखिए वहाँ भी भग्नावशेष है और जिनको हम आगे जाकर दिखाएंगे आपको। धर्मराज का स्तूप गोल चक्र, यहाँ के इसके सामने खिंचाओ ना धर्म राज का, हम खींच देना, बंद कर रहे थोड़ी देर खिंचवा लो। हाँ चल 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 एक मिनट करवाता हूँ।
यहाँ सब यही सब है, यहाँ मंदिर है मिलेगी, दरगाह नहीं मिलेगी। हो गया, हो गया, जल्दी जल्दी कर, जल्दी सब होते मछली। ठीक है ठीक है, ये बोधी वृक्ष किधर है? इधर है सर, बोधी वृक्ष। अच्छा ऐसे है ना, मंदिर है ना ये, बड़ा वाला मंदिर, मेन मंदिर के बगल साइड में, लेफ्ट साइड में। चप्पल यहाँ बोधी वृक्ष है, यहाँ है तो यही हम विराम दे रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं सारनाथ रेलवे स्टेशन भी है यहाँ, और मुगलसराय के लिए ही रास्ता है, वाराणसी शहर के लिए इधर से है, गाजीपुर के लिए भी ये बोर्ड लगा हुआ है इनक्रेडिबल इंडिया में। तो हम आपको दिखाएं अभी बने रहिए, देखते रहिए आर एन एक्सप्रो को। सारनाथ का विजिट हमने आपका
यहीं विराम देते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब, थैंक यू आर एन एक्सपर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, थैंक यू।